सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। अवकाश से कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, सोच से होता है। इतना सस्ता और कहां सौदा मिलेगा, बीज दो जमीन को और पौधा मिलेगा। आज का पंचांग 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 6 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:33 से 10:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार, अभी आप आत्मविश्वास पूर्ण महसूस कर रहे हैं। हाल ही में हुई कोई हानि आपको आध्यात्मिक खोज के लिए प्रेरित करेगी। प्रार्थनाएं या ध्यान राहत प्रदान कर सकते हैं। विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। करीबी लोग भ्रमित व्यक्तिगत छड़ों से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकती हैं। अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने और अपनी एक अलग पहचान बनाने का योग है। अच्छे अवसर मिलने का समय है और किसी कार्य की शुरुआत भी आज की जा सकती है। तानाशाह बनने या अपनी इच्छा दूसरे पर थोपने से बचें। आपका जीवन केवल दिन काटने के लिए नहीं परंतु कुछ महान कार्य करने के लिए है। लाभदायक समय है, इसका सदुपयोग करें। अगर कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो तुरंत निर्णय लें। किसी संतान की भी इनकम समय होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। आलस की वजह काम समय पर नहीं हो पाने से नुकसान हो सकता है। डिसिप्लिन से रहें। कामकाज में कठिनाई रहेगी लेकिन खुद को कमजोर ना समझें। कोशिश बढ़ाकर आप तरक्की कर पाएंगे। जिस इंसान के प्रति आकर्षण महसूस हो रहा है वो भी आपकी तरफ आकर्षित होगा। खान पान पर ध्यान देने की जरूरत होगी। पुरानी बीमारी तकलीफ दे सकती है। सावधानियां, किसी के साथ भी वार्तालाप करते समय ज्यादा ईगो दिखाना ठीक नहीं है। अपने व्यक्तिगत कार्यों के बीच यह ध्यान रखना जरूरी है कि घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा संबंधित अवहेलना ना करें। मामा पक्ष से संबंध खराब ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। कोई घाटा या नुकसान आपके जीवन में उदासी के रंग भर सकते हैं, इसलिए धन का व्यय सोच समझ कर करें। प्रेम संबंधों में धोखे का मतलब जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए संबंध की शुरुआत हो सकता है। आपका हर सपना पूरा होगा, बस पहल करने की जरूरत है। आज का दिन आपके लिए सबसे शुभ दिन है क्योंकि आज आपके दरवाजे कई बढ़िया मौके दस्तक देंगे। आपकी लाइफ आपको अपने साथी के साथ कई यादगार पल प्रदान कर रही है। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। दुनिया में कई लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन चिंता ना करें, आपका जीवन साथी हमेशा आपके साथ है। बात करते हैं करियर की। आज आप दान या नॉन प्रॉफिट कामों को करने के इच्छुक हैं। कार्य के प्रति आपका सकारात्मक नजरिया और कौशल आपको उस स्थिति में ले जा सकता है जिसका आपने ड्रीम देखा है। सारी समस्याओं से बढ़ने से पहले मेडिकल जांच के लिए अस्पताल जाएं या डॉक्टर से मिलें। अपने करियर और प्रतिष्ठा के लिए यह दिन बेहतरीन है। अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताएं। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिए हैं ताकि आप
बोलने से ज़्यादा सुने। अगर आपके पास कोई नया प्रस्ताव या योजना है तो लोगों को उसमें शामिल करने से ना डरें। दूसरों से बातचीत करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बदलते मौसम की वजह से कोई एलर्जी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। आज का उपाय, पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।